फ्री फायर खेलते खेलते क्लास करेगा। ये लड़का ध्यान से देखो इसको। ये नीचे आके मम्मी को बोलता मम्मी क्लास खत्म हो गई, यहाँ पे फ्री फायर खेल रहा है और क्लास चल रही है। सर बोलते कैमरा दिखा, तो कैमरा ऑन करके लिखने की एक्टिंग करता है। दिखाना बोल रही है ना, दिखा फ्री फायर खेल रहा है, देखो क्लास बता कहाँ चल रही है। साले कैमरा है सामने, रुक जा कैमरा मैं रहूँगा पर तू दूर से करना। हाँ जल्दी दिखा, देखो गाइस यहाँ पे चल रहा है इसका क्लास, बहुत नकरे। देखो 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 कैसे एक्टिंग करता है। अरे अरे वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी आज आपको पता है आज 14 तारीख है और आज है उत्तरायण का दिन। आप सबको भी हैप्पी उत्तरायण। और अभी बज रहे हैं 8:20 बज रहे हैं और अभी मैं खाना खा के तुरंत टेरेस पे जा रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट टेरेस पे मिलता हूँ। आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको हम विश कर रहे हैं हैप्पी मकर संक्रांति। आप देख सकते हैं तरुण भाई की पतंगा ऊपर उड़ रही है। हाँ सुन लो, TMB ब्लॉग्स बोल चुके हैं, तो देखिए उनकी पतंग कितनी हवा में जा रही है। तो चलिए आपको उनसे मिलाते हैं। ये रहे इसके पार्टनर काव्या। हमने एक पतंग काट ली और हमारी एक भी अभी तक कटी नहीं है। हमने काटी उन लोग की, आपको दिखाता हूँ। और वो लाइव क्या होता है, लाइव अभी थोड़ी ना जाने का होता है। अगर ब्लू वाली जो पतंग आपको अभी दिखाता हूँ, ये जो अभी इनके साथ अपने पेच लेते हैं, ये लोग की पतंग ही मैंने काटी। और अभी क्या किधर आ रही है, अरे बहुत पीछे है, उसको आने दे, आगे अपने काटे के। इनको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, मेरे को खुद को नहीं दिख रही। जूम से पता तो चलना चाहिए। आंखें नहीं खुल रही इतनी धूप में, और तू उड़ा कैसे रहा है। क्या हुआ, लपेट बन गई क्या अपनी? लपेट तो बन गई हमारा फिरकी मैन ये उड़ाने वाला मैन, काइट वाला मैन। क्या बात कितना साकड़ घिसवाया, कितना साकड़ घिसवाया, कितना मीटर घिसवाया? 5000 मीटर घिसवाया। और कितनी फिरकी में, फोन सीधा पकड़ा कर, गवार लग रहा है तू, गवार नहीं है भाई। ये वाली छत में तो मैं और मेरा भाई है अकेले, और हमारी बिल्डिंग में, हमारी छत में हम दो के सिवा और कोई नहीं है। और आपको दूसरी बिल्डिंग और दूसरे टेरेस का दिखाता हूँ आपको। रुको, सारे छत टेरेस भर रखे हैं हमारी बिल्डिंग में। आपको इधर की गली दिखाता हूँ ना आपको, मतलब ये झोपड़े क्या बोलते हैं बंगले, ये सब छोटे छोटे जो घर है ना, इतनी पतंग उड़ रही है ना इधर, बहुत ज़्यादा उड़ रही, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आधे लोग भरे हुए ही है, खाली हम दो और हम, मेरा भाई है खाली है टेरेस में। अब हमारी बिल्डिंग में नहीं, जो हर एक बिल्डिंग में देखो जन आपको दिख ही रहे होंगे बस। और हम लोग के पास कोई काम भी नहीं है, पतंग भी नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा बाहर गए काम से और हम दोनों अकेले टेरेस पे, क्या करें, थोड़ी देर बाद ही मिलते हैं। अभी के बज रहे हैं 6:46 शाम के और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। मैं पतंग उड़ा के आ चुका, कल भी उड़ाऊंगा, कल स्कूल और ट्यूशन की दोनों की छुट्टी है। और पतंग मैंने आज कितनी उड़ाई होगी, 20 या 30 से ज़्यादा पतंग उड़ाई, तो भी देखो कितनी पतंग बची, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे तो देखो ये टोटल है 50 पतंग है, और ये होगी 10, ये होगी 1-2-3 है, होगी 60-80 पतंग होगी बची। बहुत ज़ोर से पैर बहुत दुख रहे हैं, हाथ भी कट गया थोड़ा थोड़ा कटा है। और कल ये फिरकी या फिर मेरी वाली फिरकी कल ख़त्म करनी, मेरी फिरकी दिखा, ये फिरकी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से।
और एक ये फिर की बच्ची है, उसको कल तक ख़त्म करनी है। और यहाँ पे भी थोड़ी पतंग बची है, उसको भी ये वाली फिरकी बची है, कल दोनों फिरकी ख़त्म करनी है। एक फिरकी का टारगेट है, कल पतंग उड़ाया चलेगा ना? क्यों, तू तो आज ही पूरा दिन घर पे बैठा था तो गया गया फेल आ गया। ओ मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, मस्ती मत करो। क्या कर रहा है आंटी? देखो आंटी, देखो क्या अभी आपने जो देखा आपको कुछ समझ में आया? ये पूरी बात मैं बताता हूँ। दो लड़के थे, दोनों ने फ्री फायर में कस्टम में चैलेंज लगाया, बोला कि देखते जो अच्छा खेलेगा उस जो हारेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीत गया, जो हारेगा उसको उसके सामने वाले को उसके सामने वाले के पैर छू के बोलना पड़ेगा कि मैं नूब हूँ, मैं नूब हूँ, मेरे को कुछ खेलना नहीं आता, ठीक है? तो फिर है ना, मेरा एक दोस्त हार गया और वो उसके सामने वाले के पैर छू के बोल रहा था। फिर एंड टाइम में उसकी मम्मी आई जिसने पैर छुए, वो बोलता है क्या कर रहा है? तो वो जो उसकी मम्मी जोर से चिल्लाई, उसकी मम्मी बोलती क्या कर रहा है ये? तो उस वो बोलता है मम्मी गेम खेल रहा हूँ, मम्मी गेम खेल रहा। तो उसका भाई था, आपने देखा ही होगा, पहला भी वाला टेक देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा क्या कर रहा है। आंटी देखो, आंटी देखो क्या और आपको चीज़ बताया था। आज हम लोग है ना कॉफ़ी पीने गए थे, मैं और मेरे चार पांच दोस्त को हॉट कॉफ़ी पीने गए थे, हॉट चॉकलेट कॉफ़ी पीने गए थे। तो उसका पोस्टर में हॉट चॉकलेट कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी है ना, देखो ऐसा था, आपको साइड में दिख रहा होगा ऐसा था, ठीक है? और हम जब पीने गए, हमको लगा बड़ा गिलास आएगा ऐसा जैसे आप देख रहे हो, हम जब आए टेबल में देखा कैसा आया बताओ, ये देखो ऐसा आया, हमारा मुंह ऐसा खुल गया भाई साहब, मजे ही आ गए। मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फोन नहीं था उस टाइम में। कितने का था? अरे 20 रुपीज़ का ही था, 20 रुपीज़ में वैसे भी क्या बड़ा आएगा, पर उधर 20 रुपीज़ की पिक्चर देखो इतना बड़ा बताएगा, और आया इतना सा। हाँ कॉफी इतनी सी आई, कॉफी नहीं हॉट चॉकलेट कॉफी अलग होती है, पर पता है टेस्ट कैसा था? बॉर्नविटा जैसा, बॉर्नविटा का दूध। हम सब दोस्तों ने बोला, मैंने बोला उनको आ जाओ मेरे घर पे, मैं ही तुमको पिला देता हूँ, 20 रुपये लूंगा। सो गाइस, आप लोग आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप दैट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी जल्दी मेरे को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय। बाय बोलने से पहले एक बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी 3 या 4 दिन बाद, तब तक के लिए मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन, ओके बाय।